मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एकदम खस्ता और करारी परतदार निमकी की रेसिपी, जिसे हम नमक पारा भी बोलते हैं। और दिवाली भी बस आने ही वाली है, तो ऐसे में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। तो इसे आप एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। परतदार निमकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी मैदा लिए हैं। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा यूज़ कर सकते हैं। निमकी को खस्ता करने के लिए इसमें हम लगभग 7 से 8 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। अगर आप इसे ग्राम से देखते हैं तो ये लगभग 70 to 80 ग्राम है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी बोलते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। साबुत जीरा से निमकी में टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप यहाँ पे थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, क्योंकि निमकी में अगर थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो जाता है तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए नमक जो है वो आप बिल्कुल हिसाब से ही ऐड करें। इसके बाद हाथों की मदद से हम पूरे आटे में जो हमने तेल डाले थे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी निमकी जो है वो खस्ता के साथ साथ करारी भी बनेगी। तो बस इसी तरीके से हम रगड़ रगड़ कर लगभग इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे में ऑयल को मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो इसके बाद इसे हम अपने हाथों पे उठा के इस तरीके से चेक करेंगे। अगर ये इजीली इस तरीके से बन जाए तो आप समझ जाए कि हमने इसमें जितना भी ऑयल डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है इसे खस्ता करने के लिए। और अगर ये ना बंधे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल लें और फिर से इसे मिक्स कर लें। तो बस इसकी हम एक सख्त सी डो रेडी करेंगे। तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक टाइट सी डो बनाकर रेडी करेंगे। एक बार में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मैदे को हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। आटा गूंथते वक्त बस आपको इतना ध्यान देना है कि आटा जो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसे हम एकदम सख्त रखेंगे। जैसा कि हम पूरी वगैरह बनाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इसे हमें सख्त रखना है। आटे को मैंने काफ़ी अच्छे से गूंद लिए हैं, तो बस इसे हम 1 से 2 मिनट इस तरीके से मसल कर इसे थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि डो जो है वो अच्छे से चिकना हो चुका है, तो इसे हम बाउल में रख देंगे। और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके का एक टाइट डो बनाकर रेडी करने हैं। इसके बाद एक कपड़े की मदद से इसे हम अच्छे से ढक देंगे, और इसके ऊपर एक हम प्लेट या फिर किसी भी चीज़ से इसे ढक देंगे ताकि इसका ऊपर वाला जो सरफेस है वो ड्राई ना हो। और इसे हम बस 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम निमकी बनाना स्टार्ट करेंगे। परतदार निमकी बनाने से पहले इसके लिए हम साटा बनाकर रेडी करेंगे। तो एक बाउल में 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। घी की जगह पे आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करें। और इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और इसे हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। निमकी के लिए साटा भी जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो इसे हम एक साइड में रखेंगे और निमकी बनाना स्टार्ट करेंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे बस हम एक बार इस तरीके से और मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और चिकना हो जाए। इसके बाद इसे हम इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े भागों में बांट लेंगे और उसके बाद निमकी बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी के सारे भागों को हम साइड में रख देंगे और एक भाग को इस तरीके से हम थोड़ा सा चिकना करके राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद बेलन की मदद से इसे हम बिल्कुल पतला बेलेंगे। बेलते वक्त इसके शेप पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अगर ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा तो भी चलेगा। बस इसी तरीके से इसे आप स्ट्रेच करते हुए अच्छे से बेल लें, और कोशिश करें कि इसे आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना आप इसे इस तरीके से पतला बेल लें। बस बेलने वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि इसे हम बिल्कुल इवन बेल लें, ऐसा नहीं कि कहीं पर ये मोटा और कहीं पर पतला। कोशिश करें कि ये बिल्कुल इवन हो। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से बेल लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने साटा बनाकर रेडी किए थे वो इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम साटा नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे कि जितना कि ये
पूरे रोटी पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो बस हाथों की मदद से इस तरीके से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद एक तरफ से इसे हम इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करेंगे। रोल करते वक्त बस आपको इतना ध्यान देना है कि इसे आप टाइट रोल करें। जितना आप इसे टाइट रोल कर सकते हैं उतना आप इसे अच्छे से टाइट रोल कर लें। इसके बाद हाथों की मदद से इस तरीके से हम थोड़ा सा दबाते हुए इसे रोल कर लेंगे ताकि इसके अंदर के जो भी लेयर्स है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाए। परतदार निमकी के लिए रोल जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक चाकू की मदद से दोनों किनारों को थोड़ा थोड़ा सा कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद इसे हम 1 इंच या 1.25 इंच जिस साइज की भी आपको निमकी बनानी है उस साइज की आप इस तरीके से रोल को कट कर लें। रोल्स के छोटे छोटे पीस कट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक पीस को इस तरीके से लेंगे और पाम की मदद से इसे हम इस तरीके से दबा देंगे। सेम प्रोसेस से ही हम सारे पीसेस को इसी तरीके से दबाकर एक साइड रख लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी निमकी बना सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट ही गर्म ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ये वाली भी जो निमकी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल आपको मटरी के जैसा टेस्ट आएगा। लेकिन हम परतदार निमकी बना रहे हैं तो हम आगे का प्रोसेस देख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पीस इस तरीके से लेंगे और इसे हम बेलन की मदद से एक पतली पूरी की तरह बेल लेंगे। पूरी को आप बहुत ज़्यादा मोटा बेल नहीं बेलें और ना ही इसे आप बहुत ज़्यादा भी पतला करें। बस इस तरीके की पतली पूरी आप बेल कर रेडी कर लें। इसके बाद थोड़ा सा साटा अपने फिंगर पे लेंगे और इसे पूरे पूरी पे इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे आप साटा का यूज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही करें। इसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर से थोड़ा सा साटा अपने फिंगर पे लेंगे और इस वाले हिस्से पे भी हम साटे को लगा देंगे। उसके बाद फिर से इसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और बस सेम प्रोसेस से ही हम सारे निमकी को बनाकर रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस से ही मैंने सारे निमकी को बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसे अब हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल गर्म करेंगे। निमकी को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हमें मीडियम गर्म चाहिए। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डो डाल के देखे हैं। आप देख सकते हैं कि डो जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मीन्स ये मीडियम गर्म हो गया है। तो इसमें हम एक एक करके सारे निमकी को फ्राई होने के लिए डालेंगे। निमकी को डालने वक्त फ्लेम को यहाँ पे हम हाई रखेंगे और जब इसमें सारी निमकी डाल दें तब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा भी निमकी इसमें नहीं डालें, नहीं तो क्या होगा कि तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और निमकी तेल पी लेगा, तो इससे निमकी जो है बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और इसे हम लगभग 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। बीच बीच में इसे हम इस तरीके से पलट भी लेंगे और इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि निमकी का जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और ये 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। 7 से 8 मिनट में निमकी जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके एक एक परत अलग अलग हो गए हैं और इसका जो कलर है वो भी बादामी आ चुका है। तो इसे हमें इतना ही फ्राई करना है, मीन्स इसका जो कलर है वो हमें इतना ही रखना है। इससे डार्क बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो फिर निमकी जो है वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पे इसे हम इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकालते हुए अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और बस सेम प्रोसेस से ही हम जितने भी निमकी बनाएंगे उसे हम इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे और उसे अलग निकाल कर रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि परतदार निमकी जो है वो कितने अच्छे से फ्राई होकर रेडी हुआ है। इसका एक एक परत अलग हो चुका है और मैंने यहाँ पे सारे निमकी को फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो ये दिखने में ही कितना ज़्यादा क्रंची और खस्ता लग रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके पूरे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।